हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मोमोस। यस गाइस, मोमोस इज़ माय फेवरेट। तो आज फिर से मोमो बना रही हूँ। हाँ गाइस, पता है कि पहले भी मोमोस के वीडियो मैंने अपने चैनल में डाले हुए हैं। गाइस क्या करूँ, किचन में कुछ भी बनता है तो आप लोगों के साथ शेयर करने का बहुत मन करता है। तो आज मैंने फिर से मोमो बनाया था गाइस, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पर ये मोमो मैंने अपने किचन में नहीं, घर जाके मैंने अपने घर में बनाया था। तो गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना प्लीज़। गाइस लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मेरा सब कुछ रेडी था गाइस। आज बहुत लेंदी सा वीडियो नहीं बना रही हूँ। ये कीमा हो चुका है, चॉप अनियन हो चुका है, ये है धनिया, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ रेडी। कीमे को मैं एक दूसरे बॉल में ले रही हूँ। अनियन आप लोग जानती है, अनियन का जो जूसेस है वो फेंकना पड़ता है, तो जूसेस सारे मैंने फेंक दिए हैं। रेसिपी क्या ही बताऊँ गाइस, आजकल कौन नहीं होगा जिसको मोमो की रेसिपी पता नहीं है। और मोमो हर कोई अपने तरीके से बनाता है गाइस, जिससे जैसा खाने का मन है। आजकल तो मोमोज हेल्दी भी आने लग गए हैं गाइस, पर ये ऑथेंटिक स्टाइल है जो हम खाते हैं घर में, वो है जिसमें मैंने MSG भी दिया हुआ है। हाँ जी, मैंने MSG इसमें डाला है, ब्लैक पेपर, धनिया थोड़ा सा, ये ऑथेंटिक वाला है गाइस। मुझे इसी तरह खाना पसंद है, चाहे ये अनहेल्दी हो, क्योंकि आप लोग जितना भी हेल्दी बना लीजिए, मैं ये कह नहीं रही हूँ गाइस कि जो हेल्दी बनता है वो टेस्टी नहीं होता है, पर MSG इसमें वो जो ऑथेंटिक टेस्ट लाता है गाइस, इसके बिना मोमोज फीका, मेरे लिए फीका होता है। तो थोड़ा सा होने से भी देना ही है। तो ये मेरा मिक्सचर रेडी हो चुका है। डो मैंने पहले ही गूंद के रखे थे, थोड़ी देर रेस्ट करने दिए थे, तो डो भी रेडी है। अब हम क्या करें, ये मेरी चाची है जो रोटी जो बना रही है, उसके बाद मैं पैकिंग कर रही हूँ। हम लोग दोनों ने मिलके बनाया था, क्योंकि घर में बनाया था तो हम लोग दोनों ने एक साथ बनाया था। तो ये मैं पैक कर रही हूँ गाइस मोमोज़ को। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं, मोमोज आज के डेट में कौन पसंद नहीं करता है। कोई कहते हैं अनहेल्दी है, कोई कहता है हेल्दी तरीका से खाओ, इसका सर्टिफिकेट निकला है, मोमो खाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। पर हम बहुत पहले से खा के आ रहे हैं गाइस, बचपन से खाया है। आप इसे रेगुलर बेसिस में आप कुछ भी खाए गाइस, अनहेल्दी ही रहता है, क्योंकि मैदे का आइटम है। लेकिन आप इसे कभी कभी खाए तो इसे ऑथेंटिक तरीका से ही बना के खाए, तब आपको रियल टेस्ट मिलेगा। सो हम लोग 2-3 महीने में, 1 महीने में एक बार बना के ज़रूर खाते हैं, क्योंकि बहुत ही पसंद है। और हम लोग मार्केट से बहुत कम खाते हैं, हम लोग घर में ही बनाते हैं जब हमें खाने का मन करता है, क्योंकि सब कुछ फ्रेश रहता है। तो ये देखिए, आज भी हम पूरे घर के लिए बना रहे थे तो हमने घर में ही बना लिया। मार्केट से काफ़ी अच्छा बनता है गाइस। तो ये देखिए, ये रेडी है। तो इस तरह से हमने सारे घर के लिए मोमोज रेडी किए थे, और हम इसमें सूप भी बनाएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं गाइस, सूप भी इसी में बन जाता है। जो जो घर में शायद रोज़ बनाते होंगे उनको पता है, नीचे में जो पानी स्टीम होता है उसी में सूप बन जाता है। क्योंकि हम लोग जो चिकन लाते हैं, वो चिकन का जो हम लोग मीट निकाल के जिसका कीमा बनाते हैं, उसमें से बोन्स बच जाते हैं गाइस, हम उसे फेंकते नहीं हैं। ये देखिए, ये वो बचा हुआ बोन्स है जिसका हम सूप में इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमने नमक डाल दिया, और ये चिकन का जो बोन्स है वो डाल रहे हैं, और थोड़ा सा गार्लिक गाइस। आप चाहे तो इसमें जिंजर भी दे सकते हैं, मुझे गार्लिक का टेस्ट पसंद है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर दूंगी गाइस, सर्दी भी लगी हुई है तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद हम इसके ऊपर ही स्टेप बाय स्टेप मोमोस बिठा के जाएंगे स्टीम के लिए, क्योंकि ये क्लियर सूप में बना रही हूँ तो उतना में काफ़ी है, उसमें कुछ ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में हम धनिया देंगे, तो इसे ज़्यादा देर नहीं लगता है, आप लोग जानते हैं चिकन को पकने के लिए। तो ये हम लोग का हो गया है,
ये गाइस देखिए मेरा मोमो बहुत ही बढ़िया बनता है गाइस, आई मस्ट से देखिए पूरा ट्रांसपेरेंट है। और मोमो का एक खासियत है, आप लोग इसका कवर जितना ही पतला रखोगे उतना ही टेस्टी होता है, और मुझे ये आता है ट्रांसपेरेंट तरीका से बनाने के लिए, ये है सीक्रेट गाइस। आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं मैंने किस तरह बनाया है। तो मैंने हर तरह का बनाया, मैंने मोदक स्टाइल भी बनाया जो छोटे छोटे आजकल तो डम्पलिंग्स कहते हैं उस तरह से, ये देखिए गाइस ये पूरे ट्रांसपेरेंट स्टाइल में बनाया है मैंने। तो अब मोमो रेडी होने के लिए बाद हम रेडी कर रहे हैं चटनी की, और यहाँ चटनी का एक और हो गया है, मैं जहाँ भी वीडियो देखती हूँ आज मैं बना रही हूँ गोरखा चटनी, गोरखा चटनी, हर कोई गोरखा चटनी बनाते हैं। बींग अ गोरखा, जैसे मैं गोरखा हूँ तो मुझे पता है कि जो गोरखा चटनी किस तरह से बनता है, उसमें लोग केचप भी डाल रहे हैं कलर के लिए, वैसा गोरखा चटनी बनता ही नहीं है। गोरखा चटनी का भी अपना अपना तरीका होता है, हर कोई एक ही स्टाइल का नहीं बनाता है, घर में हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है। 60% सेम रहता है पर 20% हर कोई अपना अपना ट्विस्ट देते हैं। पर जो आजकल वीडियो में वायरल है गोरखा चटनी इस तरह बनता है, इस तरह बनता है, इस तरह बनता है, एक्चुअली किस तरह बनता है, इस तरह बनता है गाइस। तो मैंने थोड़ा सा टमाटर का कच्चापन हटा दिया है। एक्चुअली इस गोरखा चटनी में आप लोगों को, मेरे पास दो तीन चीज़ मिसिंग है, जैसे टिम्मुर मस्ट होता है, वो एक छोटे छोटे ब्लैक पेपर की तरह आता है, वो गोरखा लोग का मेन होता है, वो होता है गोरखा चटनी में जो डाला जाता है टिम्मुर, एकदम ज़रूर, जो मेरे पास नहीं है अभी गाइस फ़िलहाल, तो उसके बिना बना रही हूँ। तो बेसिकली ये इनकम्प्लीट है, इसमें वाइट सेसिमी भी डालता है, मेरे साथ वाइट सेसिमी नहीं था तो मैंने पीनट्स डाल दिया, पीनट से भी काम हो जाता है, सेम ही काम करता है, पर वाइट सेसिमी हो तो और बढ़िया रहता है। तो मैंने इसमें धनिया डाल दिया है, आप चाहे तो कच्चे मिर्च, जो कच्चा मिर्च है वो भी डाल सकते हैं, लहसुन भी डाल दिया, मुझे तीखा ज़्यादा नहीं चाहिए तो मैंने उसके सीड्स निकाल के इसमें दिया हुआ है गाइस। नमक डाल दिया। अगर आप लोगों को गोरखा चटनी का रेसिपी चाहिए तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बना के एक दिन आप लोगों को वीडियो दिखा दूँगी। तो यहाँ मैं ब्लेंड कर दूँगी, उसी तरह जो चटनी है उसी से झोल मोमो बन जाता है, जो चटनी है उसी को ज़्यादा लिक्विडी करके झोल बनाया जाता है, जो झोल मोमो बोलते हैं वो भी इसी से बनता है गाइस, उसका भी कुछ अलग सा नहीं है, इसी से हो जाता है, बस तरीका थोड़ा सा अलग है। तो ये हमारा चटनी भी रेडी हो चुका है गाइस, ये देखिए बढ़िया है, बस इसमें टिम्मुर मिसिंग है, आई लव टिम्मुर, मुझे बहुत पसंद है। तो ये देखिए चटनी इज़ रेडी, मोमो ऑल्सो रेडी, सूप ऑल्सो रेडी, ये देखिए हमारा क्लियर। इसमें जो ऑयल आया गाइस, मैंने एक्स्ट्रा ऑयल कुछ नहीं दिया है, चिकन का खुद का फैट से, तो ये मेरा क्लियर सूप है चिकन का, रेडी हो चुका है गाइस। हम लोगों ने घर में ही बनाया है, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने मोमोज़ को, हम लोग बेसिकली ज़्यादातर घर में ही बना के खाते हैं। घर में बनाइए गाइस, अनहेल्दी हो तो भी उतना अनहेल्दी नहीं होता है, आप लोग घर में फ्रेश चीज़ों से बनाए आप लोग खा सकते हैं एटलीस्ट महीने में एक बार, तो हम लोग घर में ही बना के खाते हैं। तो हम लोगों ने खूब सारा खाया घर में, सब लोगों ने मिल के खाया गाइस। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।